यहाँ पर आज के इस वीडियो में कक्षा आपका 12वीं, देखिए विषय आपका इतिहास है, त्रैमासिक परीक्षा 2024 का आपका पेपर आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए आज मैं विद्यालय गया था, तो विद्यालय में जैसे पहुंचा तो मेरे कुछ स्टूडेंट जो है यहाँ पे विद्यालय के बाहर मिले। उन्होंने कहा कि सर हमारे लिए एक आपका अति महत्वपूर्ण एक आपका सेट ला दीजिए, जिसे हम पढ़कर जाएं तो 70-80% क्वेश्चन फिर भी आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके 80 अंकों पूर्णांक वाला 3 घंटा, देखिए आपको यहाँ पे समय होगा पूरे क्वेश्चन पेपर का। आपका जो आंसर है इस वीडियो में आपको 23 के 23 क्वेश्चन के आंसर करेंगे। यदि देखिए अगर आपने अथवा सहित कर लिया तो आप किसी जिले से हो मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे यहाँ पे छात्रों इस वीडियो को शुरू करते हैं। निर्देश आपको देखिए कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है, पढ़ लीजिएगा और यहाँ से आपके सही विकल्प वाले क्वेश्चन प्रारंभ होते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए पहला हड़प्पाई मुहर किस पत्थर से बनाई जाती है। ऑप्शन देखिए सेलखड़ी, तांबा, मिट्टी और आपका जैस्पर। यहाँ पे देखिए आपको जो आंसर करना है, पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा आपका सेलखड़ी। सेकंड देखिए रुद्रदामन कौन था, कुषाण शासक था, शक शासक था, यूनानी शासक या फिर देखिए आपका मंगोल शासक। आपका इसमें लिखना है आपको शक शासक था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए तीसरा मृच्छकटिकम किसकी रचना है, विशाखदत्त की या फिर देखिए आपका यहाँ पे चाणक्य का, सूद्रक का, मेगस्थनीज का। तो देखिए तीसरे का आपको जो आंसर करना है आपको इसमें सूद्रक करना है। चौथा देखिए महायान मत किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म या फिर देखिए आपका आजीवक। तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे बौद्ध धर्म इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आपके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक आरंभिक विश्वयात्री किसे कहा गया है, अलबरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा वर्नियर, अल मसूदी। तो देखिए आपको इसमें जो आंसर है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इब्न बतूता, ठीक है। आपका ये कहाँ का था, मोरक्को का आपका यात्री था, ठीक है। देखिए बसवन्ना कौन थे, वीर सैव संप्रदाय के प्रवर्तक, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक, सैव संप्रदाय के प्रवर्तक या फिर शक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वीर सैव संप्रदाय के प्रवर्तक में आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपका, देखिए लिखा है आपका रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, सिंपल देखिएगा, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और डैश डैश ने की। तो जानते हैं किसने की थी, आपका हरिहर और आपका हो जाएगा बुक्का। तो देखिए हरिहर और बुक्का ये आपके दो यहाँ पे भाई थे, इन्होंने ही इसकी देखिए स्थापना की थी। इसके बाद चलते हैं देखिए रहाट एक कौन सा यंत्र है, तो देखिए आपका सिंचाई यंत्र कहलाता है। तो आप आंसर देखिए इसमें आपको सिंचाई यंत्र आपको करना है, ठीक है, ये रहा देखिए। इसके बाद बंगाल में देखिए डैश डैश में स्तंभ मरारी बंदोबस्त जो है लागू किया गया था, तो आपका 1793 में। और इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लॉर्ड बेलेजली ने डैश डैश संधि लागू की थी, तो आपका देखिए आप जानते हैं ना सहायक संधि आपका लागू किया था, तो आपका यहाँ पे सब्सिडरी आपका अलायंस आपको यहाँ पे लागू किया गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से डैश डैश ईस्वी में भारत आए, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका 1915 ईस्वी में यहाँ पे भारत आए थे, ठीक है। कहाँ पे थे, पहले दक्षिण अफ्रीका में थे ना, इनको एक बार ट्रेन से उतार दिया गया था क्योंकि ये देखिए सेकंड श्रेणी में आप यात्रा कर रहे थे। इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे अंग्रेज के अलावा जो भी होगा वो जनरल में यहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे यात्रा कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे संविधान सभा यानी आपका देखिए गोरा और काले का यहाँ पे भेद करते थे लोग, तो गोरे लोग को जो आपका यहाँ पे अच्छी श्रेणी को आपको बैठने के लिए दिया जाता था, और आपका जो काले लोग हैं अश्वेत लोग हैं उनको वहाँ पे बैठने की अनुमति नहीं थी। संविधान सभा में देखिए उद्देश्य प्रस्तावों को किसने प्रस्तुत किया था, तो देखिए आपको यहाँ पे जो आंसर जो है यहाँ पे आपका नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जो है आपका देखिए देश के पहले क्या थे, आपके प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को लागू किया। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस आपके नामक शब्द स्थल से मिले, देखिए आपका ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है क्योंकि आप जानते हैं बनावली आपका जो है ना, बनावली आपका हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, ये आपके देखिए हड़प्पा काल के आपके सभ्यता हैं, तो आपको इन स्थान को यहाँ पे आपको बनावली करना है ना। लोथल आपने सुना होगा, है ना, और इसके अलावा आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो आपने सुना ही होगा। मोहनजोदड़ो आपका अर्थ क्या होता है, आपका यहाँ पे मिट्टी का टीला होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट है यहाँ पे सातवां सही जोड़ी वाले क्वेश्चन, प्रियदर्शी देखिए कौन सा है, आपको ये प्रियदर्शी है, तो प्रियदर्शी में देखिए आपको यहाँ पे इनकी एक रचना है कौन सा है आप बताइए, या फिर आपको इसने यानी आपको जो प्रियदर्शी है ये रचना किसने लिखा था आपको ये बताना पड़ेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे अशोक ने लिखा था, किसने लिखा था, अशोक, आप यहाँ पे सम्राट अशोक आप जानते हैं ना, यहाँ पे इन्होंने ही लिखा था। इसके बाद देखिए थोड़ा सा ज़ूम कर देता हूँ, ये रहा देखिए इसमें आपको बहुप्रथा प्रथा की बात कर रहा है, तो आपको जो बहुप्रथा प्रथा है ना ये आपका हो जाएगा एक स्त्री के
यहाँ पे बहुपति प्रथा बोल रहा है ना, तो एक स्त्री के जब आपके अनेक पति होते हैं। सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ आपका थे, देखिए आपके यहाँ पे एक यहाँ पे लिखना पड़ेगा पूरा, देखिए आपको यहाँ पे शाक्य कबीला था, ठीक है, शाक्य कबीला के आपको यहाँ पे ये थे। और जहाँ आरा कौन थी? आपका मुगल शहजादी थी, ठीक है, आपको यहाँ पे ये करना है। किताब उल हिंद देखिए किसने लिखा था? अलबरूनी लिखा था। और हम्पी कहाँ पे है? तो हम्पी आपका देखिए विजयनगर यानी आपका कर्नाटक में कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं एक शब्द फिर आपका एक वाक्य में उत्तर, सिंपल सा क्वेश्चन है, रैयत किसे कहते हैं? ठीक है, रैयत तो आपको यहाँ पे सात, देखिए आपको सात नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो रैयत किसे कहते हैं? देखिए किस, तो आपको यहाँ पे आंसर, अगर मैं आंसर की बात करूँ तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर जो है क्या कर देना है, आपका एक कृषक थे। तो आपको उत्तर में देखिए आपको यहाँ पे, देखिए अब आपको आंसर दिख रहा होगा रैयत किसे कहते हैं, आपको कृषक हो जाएंगे। इसके बाद देखिए चार्ल्स कार्निवाल कौन था? आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं देखिए तो आपको यहाँ पे चार्ल्स कार्निवाल कौन था? बंगाल का गवर्नर था। इसके बाद क्वेश्चन देखिए तीसरा, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो अगर मैं देखिए इसका आंसर की बात करूं तो आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून तोड़े थे साबरमती आपके आश्रम के किनारे, यानी आपका जो है गुजरात में साबरमती एक नदी है ना, वहीं पे आपका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे अगला आएगा चौथा नंबर, अंग्रेज चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए, किसने कहा था? तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? तो देखिए आपको जो इसका, अगर आपको PDF चाहिए कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल तरीके से इस वीडियो के देखिए कमेंट बॉक्स में आपको जाना है, और वहां को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का आपको एक लिंक दिया है, उसे जाकर आसानी से ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, आपको आसानी से देखिए यहाँ पे टेलीग्राम का यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? तो अगर मैं पांचवे के देखिए, अगर मैं आंसर की बात करूं तो पांचवे का आपको आंसर देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन सा खोजा गया था, यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता का आपका यहाँ पे हड़प्पा आपका सभ्यता हो जाएगा, ठीक है, ये आपका लोथल कालीबंगा और जितने हैं ये आपके बाद के हैं, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का देखिए हो गया, प्रयाग प्रशस्ति किस राजा से संबंधित है? आपका ये पूछा गया है, देखिए आपको आंसर जो हो जाएगा आपका समुद्र गुप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए शाहजहां बेगम ने किस स्तूप का संरक्षण किया? आंसर देखिए आपको आंसर जो है सांची का आपका यहाँ पे स्तूप का यहाँ पे संरक्षण किया था। अब इसके बाद देखते हैं आपके सत असत वाले क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखिए महिला संत अंडाल भगवान विष्णु की आपकी भक्ति थी, तो आपको बताना पड़ेगा, देखिए आपको यहाँ पे क्या कर देना, आपको यहाँ पे सत्य करना पड़ेगा, ठीक है, आप इसमें सत्य कर दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं पंचायत के मुखिया का क्या मुकद्दम या फिर मंडल कहते हैं? तो देखिए आपका यहाँ पे ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, इतिहास की बात कर रहा है, अभी की बात नहीं कर रहा है। सिद्धू मांझी संथाल विद्रोह के आपके नेता थे? बिल्कुल आपका देखिए ये भी आपका सत्य हो जाएगा, आपका जो सिद्धू मांझी थे संथाल विद्रोह, आपका संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? आपका बंगाल में हुआ था। मेलुहा मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए आपको क्या इसका प्राचीन नाम मेलुहा का, मेसोपोटामिया सभ्यता का प्राचीन नाम क्या मेलुहा था? आपका गलत है, आपको असत्य करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो पूछा गया है, सांची का स्तूप क्या आपका आंध्र प्रदेश में है? भाई साहब आपका ये तो मध्य प्रदेश में है, इसलिए आपका जो है विदिशा में है ना, इसलिए आपको असत्य करना है। अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना क्या मीर खुसरो ने की थी? देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका यहाँ पे अकबरनामा जो है ना यहाँ पे किसने लिखा था? देखिए अबुल फजल ने लिखा था। तो देखिए आपका यहाँ पे अमीर खुसरो दिया हुआ है, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। तीन आपके सत्य हैं और तीन आपके सत्य हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए छः, किन्हीं दो विकसित हड़प्पा पुरा स्थलों का आपका उल्लेख करना है, कैसे करेंगे? आपका दो नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए मैं आपको आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता के दो पुरा स्थल के नाम रोपड़ भगवानपुरा कालीबंगा लोथर आपका धौलावीरा है, ठीक है, धौलावीरा। इसके बाद देखिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो नगर की दो विशेषता आपको बतानी है, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ देखिए तो आपको यहाँ पे मोहनजोदड़ो सभ्यता के दो आपके यहाँ पे सबसे बड़ा शहर का केंद्र माना जाता है। इस सभ्यता की नगर योजना गृह निर्माण मुद्रा मोहरों आदि की अधिकांश जानकारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सातवा, सिंधु घाटी सभ्यता की कोई आपको दो विशेषता बतलानी है, तो अगर मैं देखिए इसके आंसर की बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता इस प्रकार निकाली जा सकती है, नगर एवं भवन निर्माण नगरीय सभ्यता थी, नगर योजना और भवन निर्माण कला में यह सभ्यता प्रसिद्ध थी, नगरों के रूप में देखिए एक दूसरे से आपके जुड़ी हुई थी, नगरों में सड़कों को आपका यहाँ पे जाल बिछा था, सभी सड़कें 10 मीटर से अधिक आपके चौड़ी होती थी, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर सरल रेखा में एक दूसरे पर समकोण पर काटती जाती थी, और यह छोटी सड़कों व गलियों द्वारा मोहल्लों बटे होते थे। ये आपको पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तीन देखिए इसकी लंबाई जो है
366 मीटर 244 मीटर चौड़ा होता था। सड़क के किनारे स्थान स्थान पर कूड़ेदान बने होते थे, सड़कें कच्ची हुआ करती थी और सड़क के दोनों किनारों पर गहरी नालियां बनी होती थी। दूसरा देखिए पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, सामाजिक जीवन। लिखित साक्ष्य उपलब्ध न होने पर इस सभ्यता के सामाजिक संगठन, परिवार प्रणाली, जाति प्रथा देखिए निश्चित रूप से कुछ कहना आपका संभव नहीं है। और इसके बाद देखिए आपका सातवां आता है, इसमें देखिए आपको इसका तो मिल गया अथवा का, अब इसके बाद देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका सातवां मिल गया ना अथवा। देखिए मोहनजोदड़ो नगर की आपको दो विशेषता बतलानी है। अब इसका आंसर कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, देखिए हड़प्पा सभ्यता का विनाश किस प्रकार और कब हुआ, इस देखिए संदर्भ में प्रमाण उपलब्ध नहीं है, अतः अनेक विद्वानों ने कल्पना और अनुमानों के आधार पर सभ्यता के विनाश के बारे में कई कारण बताए। पहला कारण देखिए बाहरी आक्रमण, बहुत सारे विद्वान का मानना है कि बाहरी आक्रमणकारियों ने इस समय विनाश किया सभ्यता का। देखिए आपका यहाँ पे शांति प्रिय थे, आपको ये पूरा उत्तर देखिए आपको लिख देना है। सड़कों, गलियां, आंगन और अनेक अस्थि पंजर मिले, इसलिए देखिए बर्बर और जातियों का आक्रमण का शिकार हुए होंगे, ये आपका देखिए यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अगला लिख देना है, अचानक आक्रमण कर दिया गया उनकी हत्या किंतु मत उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उत्खनन में जो अस्थियां प्राप्त हुई हैं वो एक ही नस्ल के थे, यदि बाहरी आक्रमण हुआ होता तो आक्रमणकारी भी मारे गए होते तो उनकी अस्थियां भी आपका मिलनी लगभग आपका तय थी। दूसरा देखिए जलवायु परिवर्तन, अनेक विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन सिंधु सभ्यता का विनाश का प्रमुख आपका कारण है। विद्वानों का मत है कि प्रारंभ में सिंधु प्रचुर रूप में थी किंतु कालांतर में कम वर्षा होने पर देखिए धीरे धीरे क्या होगा आपका यहाँ पे ये कम हो गई और नगर उजाड़ हो गए। विद्वानों का अनुमान है कि कुछ देखिए संसार के अनेक क्षेत्रों की जलवायु के तीव्र परिवर्तन हुए हैं और ऐसा यहाँ भी हुआ होगा। इसके बाद देखिए आपका जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है आठवां, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, आपको देखिए इसका आपको आंसर देना है। आंसर आपको कैसे देंगे देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सिंधु देखिए आपको कैसे करना है, यहाँ पे अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर ऐसे करना है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन संस्कृति थी जो दुनिया में सब शहर करने के लिए आपका उपयोगी जानी जाती थी, अपने नियोजित शहरों, जल निकासी व्यवस्था और विशाल संरचनाओं को बनाने के लिए भट्टा ईंटों का उपयोग बहुत खास था। अथवा का देखिए अलबरूनी गजनी कैसे पहुंचा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए आपको आठ का अथवा का आंसर करना है, सन 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान मोहम्मद कई विद्वानों और कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया और अलबरूनी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया और धीरे धीरे शहर पर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तथा अपने बाकी जीवन को यहीं बिताया। इसके बाद देखते हैं आपका देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नंबर आता है, मोहम्मद हाजिन भारत से घृणा क्यों करता था। अगर मैं इसके देखिए आंसर की बात करूं तो मोहम्मद हाजिन भारत से घृणा इसलिए करते थे क्योंकि 1740 के दशक में जब वे भारत आए तो यात्रा के दौरान उन्होंने भारत में अपने लिए एक उत्सवी स्वागत की आशा की थी परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए हाजिर भारत से निराश हुए और घृणा करने लगे। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे फ्रांसवा बर्नियर यहाँ पे कौन था, अगर मैं देखिए इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपको उत्तर मिल जाएगा यहाँ पे फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक और आपका दार्शनिक और आपका एक इतिहासकार था, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन दसवां आता है, इब्न बतूता ने बाजार का वर्णन किस प्रकार किया है। तो अगर मैं देखिए इसके आंसर की बात करूं तो इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़भाड़ वाला सड़कें, चमक तमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला, भारत में सबसे बड़ा आपका बताया। तो आपको देखिए ये उत्तर पूरा को करना है। अब देखिए आपके इसके जो आगे क्वेश्चन है, ठीक है, अब आपका जो दसवें का आपका अथवा का है क्वेश्चन पूछा गया है उल्मा कौन था, ठीक है। अगर मैं देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो आपको देखिए क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखिए उल्मा इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे और इस परपाटी के संरक्षक होने के नाते वे इस्लाम धर्म से संबंधित धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी आपकी जिम्मेदारी निभाते थे, ठीक है। आपका ये उत्तर हो गया, चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है बारवा, यहाँ पे ग्यारहवा आता है, मातृगृहिता क्या है आपका ये क्वेश्चन और साथ में ग्रिड पद्धति क्या थी, दो दो नंबर क्वेश्चन है। चलिए हम इसका आंसर दिखा देते हैं, देखिए आपको आंसर आपको 11 का आंसर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मातृगृहिता क्या है, देखिए वह परिपाटी जिसमें स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं, इस प्रकार का देखिए मात सत्तात्मक आपका परिपाटी यहाँ पे होता है। अथवा का देखिए आपका यहाँ पे ग्रिड पद्धति क्या है, तो ग्रिड पद्धति का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में किया गया था,
इस सभ्यता के नगर नियोजन की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां। नगरों में सड़कों और गलियों का निर्माण लगभग एक ग्रिड की पद्धति में होता था, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, आपको ये पूरा उत्तर करना है। क्वेश्चन आपका देखिए 12वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें, देखिए आपका भी क्वेश्चन पूछा गया है फायंस क्या था और मौर्य साम्राज्य के कोई आपको चार ऐतिहासिक आपको स्रोत बताने हैं। देखिए तो उसका उत्तर आपको लिखना है फायंस घिसी हुई रेत और रंग चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर पकाया जाने देखिए पदार्थ था। इस पदार्थ को बनाने की प्रक्रिया जटिल थी। फायंस से देखिए सम्भवतः कीमत माने जाने वाले पूरा आपको उत्तर लिखा है। 12वां का देखिए उत्तर साम्राज्य, देखिए मौर्य साम्राज्य के चार प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत, मेगास्थनीज का आपका इंडिका इससे पता चलता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और अशोक के स्तंभ के अभिलेख। ठीक है, ये उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए आपका 13वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। पितृवंशिता कुछ आपसे क्या तात्पर्य है और मातृवंशिता से क्या तात्पर्य है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र और फिर पौत्र और पपौत्र आदि से चलती हुई जाते हैं उसे कहते हैं पितृवंशिकता। इसी प्रकार आपका जो क्वेश्चन 13वां का आपका अथवा का है उसमें पूछा गया था आपका, देखिए यहाँ पे पितृवंशिकता है और उसमें आपका मातृवंशिकता, तो आपको देखिए यहाँ पे आपका सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे इसका आंसर आपका लिख गया है 14 नंबर का। तो आप यहाँ पे सेम लिखिएगा वह वंश परंपरा जो, देखिए यहाँ पे पिता लिखा है ना तो उसमें लिखना पड़ेगा माता के बाद पुत्र की जगह पुत्री करिएगा और पौत्र की जगह पौत्री और प्रपौत्र की जगह देखिए प्रपौत्री से चल रही होती है उसे कहते हैं मातृवंशिकता। ठीक है, जैसा देखिए यहाँ पे भोपाल में आपका जो है शाहजहांरा है ना, ऐसे आपके बहुत सारे शासिका चली हैं उसी प्रकार चली हैं। इसके बाद देखिए 14 नंबर पर देखिए आपका पूछा गया है बहिर्विवाह और आपका अंतर्विवाह। चलिए आपको हम इसका आंसर आपको दिखाते हैं। देखिए आपको आंसर जो है आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, देखिए आपका ये रहा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन 14 में गोत्र कुल से बाहर होने वाला विवाह बहिर्विवाह कहलाएगा। और अथवा का देखिए कैसे लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अंतर्विवाह के अंतर्गत विवाह समूह के मध्य होते हैं और समूह एक गोत्र कुल अथवा एक जाति फिर या फिर एक स्थान के लोगों के साथ हो सकता है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 15वां क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें आपका पूछा गया है। यहाँ पे 15वां क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्या पूछा गया है इसमें, पूछा गया है आपका जैन धर्म के पंच व्रत के नाम और महावीर जी की कोई आपको दो शिक्षाओं को आपको लिखना है। चलिए आपको इसका आंसर देते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका 15 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए जैन धर्म के पंच व्रत अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह और आपका ब्रह्मचर्य। और देखिए 15 का अथवा का देखिए ईश्वर में अविश्वास आपको पूछा गया था ना इसमें, तो यहाँ पे ये रहा देखिए महावीर स्वामी की आपको यहाँ पे तो दो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे जैन धर्म के ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था और इसके अनुसार संसार देखिए अनादि और अनंत है और जैन धर्म ईश्वर के स्थान पर तीर्थ कर आस्था और विश्वास रखता है। कर्म सिद्धांत में देखिए विश्वास, जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को उत्तम उसका कर्म होना चाहिए क्योंकि उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16वां, जाति व्यवस्था कोई 3 आपको दोष और आपका कुल और जाति भी आपको अंतर स्पष्ट करना है। अगर देखिए इसके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन 16वां में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये रहा जाति व्यवस्था के दोष, पहला आपका गतिशीलता में बाधक, कार्य कुशलता में बाधक और आपका देखिए आर्थिक विकास में बाधक। 16 का अथवा देखिए कुल और जाति में आपको अंतर करना है। देखिए आपको यहाँ पे कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का प्रयोग देखिए बांधवों सगे संबंधियों और बड़े समूह के लिए आपका होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपको यहाँ पे जाति में देखिए सबसे बड़ा एक ही जाति के लोगों को कुल माने जाते हैं और गोत्र अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ब्राह्मण एक जाति है लेकिन सारे ब्राह्मण कुल का आपका कुल नहीं है, इसलिए आपका संबंध आपका गोत्र से माना जाता है। ये देखिए आप क्वेश्चन देखते हैं 17वां, जैन धर्म की प्रमुख आपका विशेषता अशोक के धर्म की कोई आपको 3 विशेषताएं आपको बतानी है। देखिए तो आपको इसका आंसर कैसे करना है, आपको लिखना पड़ेगा जैन धर्म की आपको विशेषता। देखिए जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है और इस धर्म के अनुसार ये सृष्टि किसी ईश्वर की आपकी कृति नहीं है, तो आप इसे कर लीजिए पूरा। देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है 2रा पॉइंट, 3रा पॉइंट दिया है और आपका ये 4था पॉइंट। ठीक है, इसके अथवा का देखिए आपको क्या पूछा गया था, यहाँ पे आपका अशोक के कलिंग आपके युद्ध की आपको अशोक के धर्म की विशेषताएं। तो देखिए कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और देखिए उसका धर्म सब धर्मों का सार था। अशोक धर्म सर्व मंगलकारी था जिसका मूल उद्देश्य प्राणी का मानसिक नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान करना था। उसका धर्म अत्यंत सरल और व्यवहारिक था, प्राणी मात्र पर दया करना, सत्य बोलना,
सबके करियर की कामना रखना, माता पिता और गुरुजनों का आदर सम्मान करना अशोक के धर्म के प्रमुख आपके लक्षण थे। इसके बाद देखिए आपको विशेषता आपको यहाँ पे लिखना है, सार्वभौमिकता, अनुशासन, शिष्टाचार का महत्व, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, नैतिक आदर्शों की आपका प्रधानता, सत्य जीवन अपनाने पर आपका बल। ठीक है, आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 18 जो आपका आता है यहाँ पे, पहले आप देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा बुद्ध के किन 3 उपदेशों को लिखना है और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला और विकास का विवरण आपको प्रस्तुत करनी है। देखिए तो आपको यहाँ पे महात्मा बुद्ध के उपदेश लिखना है, विश्व अस्थिर है और लगातार बदलता रहता है, वर्तमान ही मनुष्य की खुशी का रास्ता है, सूर्य चंद्र और सच कभी आपके छिपते नहीं, यही आपका सच है। और इसके बाद देखिए 18वां का आपका 8वां आंसर लिखना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, देखिए पूछा आपका ये गया है कि हड़प्पा काल में पर कला का विकास कैसा हुआ है। तो पहला देखिए स्थापत्य कला, आपका भवन निर्माण कला, यहाँ पे देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के लोग उच्च कोटि के इंजीनियर थे और भवन निर्माण कला में आपके दक्ष थे। ठीक है, ये पॉइंट लिख दीजिए। इसके अलावा देखिए आपको कौन सा पॉइंट लिखना है, आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा मूर्तिकला। ठीक है, तो देखिए मूर्तिकला क्षेत्र में हड़प्पाई लोगों ने विशेष उन्नति की थी। आपको देखिए बहुत सारे आपकी मूर्ति भी मिले हैं, आपने जानते हैं कांसे की आपका जो है यहाँ पे मूर्ति भी मिली हुई है। इस प्रकार देखिए आपको लिखना है। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट आपको चित्रकला, देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग चित्रकला से भारी भांति से आपके परिचित थे। नमूने मिट्टी के देखिए मटके, घड़ों और कटे हुए प्लेटों आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए पूरा आपका वेल बूटे, पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे के आदि चित्र भी बनाते थे। चौथा देखिए संगीत एवं नृत्य, देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग देखिए बहुत आपका संगीत से बहुत ही क्या है परिचित थे। और इनमें देखिए धातु की मूर्ति में तथ्य का प्रमाण है कि हड़प्पाई लोग नृत्य कला में भी आपके यहाँ पे रुचि रखते थे। जो आपके कांसे की मूर्ति थी नृत्य वाली, आपका वो वहीं से मिले थे। इसके बाद चलते हैं आपका 19वें क्वेश्चन पर। ये रहा आपका क्वेश्चन 19वां, जैन धर्म के आपके 5 महाव्रत का आपका उल्लेख करना है। उल्लेख कैसे करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे पूरा आपको उल्लेख ये कर देना, देख लीजिए आपको यहाँ पे पंच महाव्रत के आपका उल्लेख, अहिंसा, सत्य, आस्थे, ब्रह्मचर्य और आपका परिग्रह, आपको इनका करना है। अथवा का देखिए कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का आपको विवरण देना है। कैसे देंगे, पहला देखिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसका सांची का स्तूप। ठीक है, आपका देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपका यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे बोधगया, बिहार की बोधगया में निर्मित आपका यहाँ पे है। और तीसरा आपका देखिए अमरावती। तो इस प्रकार देखिए आपको इसका आंसर कर लेना है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन आपका जो 20वां है, अतीत के पुनर्निर्माण में अभिलेख शास्त्रों के समझ में आई किन्हीं 3 समस्याओं को लिखना है। तो देखिए आपका पहला आपका पढ़ने में कठिनाई, आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए वास्तविक अर्थों में कठिनाई, आपको दूसरा पॉइंट। और इसी के साथ देखिए आपको तीसरा पॉइंट, भिन्न भिन्न नामों और उपाधियों का आपका यहाँ पे पता लगाना। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार इनका आंसर कर लेना है। इसके बाद देखिए आपका अथवा का महाजनपद के प्रमुख विशेषता बतलानी है। तो देखिए अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा 20 का आपका अथवा का आंसर। देखिए आपका ये रहा यहाँ पे महाजनपद के प्रमुख आपको विशेषता, देखिए पहला पॉइंट। और इसी के साथ देखिए आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा। और तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। और ये आपका चौथा पॉइंट और आपका ये 5वां पॉइंट। ठीक है, तो इनका आंसर कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं देखिए आपको यहाँ पे 21वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको जो है इसमें भी आपको आंसर मिल जाएंगे। पूछा गया देखिए, धर्म प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं, अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए। देखिए अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका कौन सा है, 21वां आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ध्यान से आप एक ही क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा। देखिए आपका धर्म प्रवर्तक का आपको अर्थ बताना है, पूरा आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए। देखिए आपका तीर्थ यात्रा आपको लिखना है पहले ये। ठीक है, और इसके साथ देखिए तीर्थ यात्रा आपको स्वीकार करने के लिए पश्चात लगभग 1 बस बार निष्क्रिय रहा, व्यक्तिगत आदर्श लिखा है, धर्म आपका विजय लिखा है और धर्म मंगल की कामना। ठीक है, आपका यहाँ पे व्यवस्था, तो पूरा आंसर आप इसे करिए। इसके बाद क्वेश्चन 21 का देखिए अथवा का, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, उसके मूलभूत सिद्धांत लिखिए। देखिए आपको अथवा का आंसर आपको यहाँ पे अशोक के आपके देखिए नैतिक उत्थान के लिए लोगों सामने कुछ नैतिक नियम रखे और इन्हीं नियमों का पालन को आपको धम्म कहा जाता है। देखिए पहला आपका यहाँ पे मुख्य सिद्धांत था बड़ों का आदर करना। ठीक है, गुरुजनों का आपका यहाँ पे मान सम्मान करना और इसी तरह परिवार सदस्यों, संबंधियों, सेवकों, निर्धनों आदि सभी से अच्छा व्यवहार रखना। प्रत्येक मनुष्य के अपने बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतना पड़ता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। अशोक अहिंसा, देखिए अशोक धर्म के मूल मंत्र थे और इसके अनुसार किसी भी जीव को वचन या कर्म को कभी नष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सभी मनुष्यों को समय समय पर अपने कृत्य कार्यों का विश्लेषण करते रहना चाहिए। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार की भावना आपको देखिए मनुष्य इन पापों से आपका दूर रखता है। क्वेश्चन देखिए आपका 22वां, भक्तिकाल आंदोलन के प्रभावों को आपको यहाँ पे वर्णन करना है। चलिए आपको दिखा देते हैं,
ये रहा देखिए भक्ति काल के प्रभावों का अपमान, हिंदुओं में आशा और साहस का संचार। दूसरा पॉइंट देखिए मुसलमानों के अत्याचारी में आपका कमी। और तीसरा पॉइंट देखिए आपको मिल जाएगा बाहरी आडंबरों में आपका कमी हो जाएगा। चौथा आपका देखिए वर्गीयता और संकीर्णता में आपको वह पे आघात, इस प्रकार आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए अथवा का भक्ति आंदोलन का देखिए आपको यहाँ पे प्रमुख आपका विशेषता बतलानी है। तो अगर देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो पहला देखिए आडंबरों की उपेक्षा और आपका सच्ची भक्ति पर आपका बल, पहला पॉइंट। दूसरा एकेश्वरवाद में आपका आस्था, आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपका जनमानस का आपका प्रयोग करना है आपको यहाँ पे, और जनभाषा प्रयोग, ठीक है। आपकी जो बोलचाल में बोल जाती है वही भाषा आप लिखेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का आपका बल हो गया, भक्ति काल का आप ये देखिए पूरा आपके विशेषता हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आपका आता है यहाँ पे इनका हो गया क्वेश्चन देखिए 23वां, क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी नगर योजना और संकेत करती है कि आपको इसको उत्तर में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आपको आंसर दिखा देते हैं हम, ये देखिए पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। ये रहा आपका पूरा स्थापना देखिए वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी, पूरा आपका पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा और पांचवा, इन सभी को आपको लिखना पड़ेगा। अथवा का देखिए निम्नलिखित में भारत के मानचित्र पर आपको देखिए गंगई कोडा चोलापुरम, शेख निजामुद्दीन ओलियक दरगाह, शेख मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह, जगन्नाथपुरी, आपको इनका आंसर आपको देना है। देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको मैंने इसका प्रोवाइड करा दिया है। इसका आपको आंसर जो है ना आपको टेलीग्राम पर, इस वीडियो कमेंट बॉक्स पर आपको यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जाकर आसानी से जो है इसके पूरे आपके देखिए मैं आपका जो है ना भरा भराया या फिर PDF ही आपका शेयर कर दूंगा। तो जाइएगा ज्वाइन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।